मंगलवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से भी चर्चा की। बैठक में मोदी, शाह और नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल हुए। दिल्ली हिंसा पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। नियम 193 के तहत ये चर्चा की जाएगी। इसमें मतदान नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा के बाद शाम करीब 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चर्चा पर जवाब भी देंगे। लोकसभा में दिल्ली हिंसा मुद्दे पर हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस बीच आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सांसद दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा आज लोकसभा में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 50 के पार पहुंच गई है। पुणे में कोरोना वायरस के 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीज पहले से संक्रमित 2 मरीजों के संपर्क में आए थे, जिसकी वजह से वो भी संक्रमित हो गए। पुणे के अलावा केरल में कोरोना के 6 नए मरीज कन्फर्म हुए हैं। बेंगलुरु और पंजाब में एक एक मामला सामने आया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच भारत ने मंगलवार को 3 और देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आने वाले उन सभी नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर रोक लगा दी गई है, जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर 8 देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने से बचें। मंत्रालय ने लोगों से ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वो इन देशों में गैर जरूरी यात्रा से परहेज करें। वहीं सरकार ने इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है और बीती रात से लागू हो चुका है। कोरोना के खतरे से भले ही लोगों ने इस बार जमकर होली नहीं मनाई, लेकिन जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना डर बिल्कुल नहीं है। रोजाना 25 से लेकर 30,000 श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल अब तक 1,37,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ से एक बड़ी चट्टान एक घर पर गिर पड़ी, जिससे घर में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 50 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो सकती हैं। दरअसल सऊदी अरब और रूस के बीच कच्चे तेल को लेकर छिड़े प्राइस वॉर का फायदा भारत को होना तय माना जा रहा है। कोरोना वायरस से जुड़े संकट के बीच सऊदी अरामको की सप्लाई बढ़ाने के फैसले से तेल की कीमत में और गिरावट आ सकती है, जिसका फायदा आम लोगों को मिल सकता है। बीते दिनों कच्चे तेल की कीमत में 30% तक की गिरावट आई थी, और अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो सकती है।